press the bell icon on the YouTube app and never miss another Hello दोस्तों, आज हम इस वीडियो में UTI AMC का IPO, मजगांव डॉक IPO और लिखिता इंफ्रा IPO, इन तीनों IPO के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और आज मैं यहां पे आपको इन तीनों IPO का लेटेस्ट डब्बा बाजार भाव क्या है, यानी इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम या प्राइस क्या है, वो मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं। और वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि इन तीनों IPO में से कहां से आपको ज्यादा लिस्टिंग गेंस मिलने वाला है। तीनों IPO ओपन हो रहा है, तीनों में से किस में आपको अप्लाई करना है, किस में अप्लाई करना ज्यादा बेटर रहेगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तीनों IPO का डिटेल्स बताता हूं और तीनों IPO को मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूं ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने UTI AMC IPO, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का IPO और लिखिता इंफ्रा IPO, इन तीनों IPO को एक साथ ओपन कर लिया। तो अब हम तीनों IPO का कंपैरिजन करते हैं कि कहां से हमें ज्यादा लिस्टिंग गेंस मिलने जा रहा। तो इसके लिए डायरेक्ट हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं। उससे पहले यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि तीनों IPO आपका 29 सितंबर को ही ओपन हो रहा और तीनों IPO आपका सेम टाइम 1st ऑफ अक्टूबर को ही क्लोज हो रहा है। तीनों IPO का प्राइस बैंड अलग अलग है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और तीनों IPO में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 के करीब लग रहा है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,95,000 करीब अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं। तो यहाँ पे आप तीनों IPO का साइज भी देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा IPO है आपका UTI AMC जो है आपका 2,160 करोड़ के करीब, जबकि मजगांव डॉक IPO है आपका 443 करोड़ के करीब और लिखिता इंफ्रा सबसे छोटा IPO है वो है आपका सिर्फ 61.20 करोड़ के करीब। तो साइज वाइज देखें तो UTI AMC का साइज काफी ज्यादा है, तो इस IPO में आपको अलॉटमेंट मिलने के जो चांसेस है वो ज्यादा रहेंगे इन कंपेरिजन टू मजगांव डॉक शिपयार्ड और लिखिता इंफ्रा। लेकिन आपको लिस्टिंग गेंस कौन से IPO से ज्यादा मिल रहा है, उसके लिए हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं। तो यहाँ पे आप तीनों IPO के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं और इस डायरेक्ट इन तीनों IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम डेली अपडेट होता है, प्रीमियम है एज ऑन 28 सितंबर 2020 वो है 55 रुपीज से लेकर 60 रुपीज पर शेयर। और इसका जो प्राइस बैंड है आपका 554 रुपीज के करीब है, इसका अपर बैंड है 554 रुपीज। तो अगर यहाँ पे हमें 55 to 60 रुपीज पर शेयर मिलता है, तो अगर हम यहाँ पे 60 भी ऐड कर देते हैं तो ये आपको 614 के करीब मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिख रहा है, यानी ये आपका 600 के ऊपर मार्केट में लिस्ट हो सकता है। अगर हम लिस्टिंग गेंस की बात करें तो इसको आप 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसका लॉट साइज 27 है। तो यहाँ पे आपको अब सिर्फ 1,600 के करीब ही लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा है UTI AMC के IPO से। कल तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था 70 रुपीज से लेकर 75 रुपीज पर शेयर और 25 सितंबर तक था 140 रुपीज से लेकर 150 रुपीज पर शेयर। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में डे बाय डे डिक्रीज ही देखने को मिल रहा है। तो अब इस IPO में अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की हो गया क्योंकि यहाँ से लिस्टिंग गेंस काफी कम मिल रहा है। तो जो भी लोग लिस्टिंग गेंस के लिए UTI AMC में अप्लाई करने की सोच रहे हैं वो अभी यहाँ पे अपना डिसीजन होल्ड पे डालें। कल इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहता है और कल मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि इस IPO के लिए अप्लाई करना या फिर अवॉइड करना। तो पहले दिन इस IPO में आपको होल्ड पे जाना, यानी कुछ नहीं करना है, पहले दिन के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देख के आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। वहीं अगर हम मजगांव डॉक शिपयार्ड की बात करें तो ये IPO काफी जबरदस्त है और ये काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मार्केट में लिस्ट हुआ है और ये IPO आपका 100% रिटर्न दे सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है। लेकिन इस IPO का साइज काफी छोटा सा है, ये आपका 440 करोड़ के करीब IPO है। तो इस IPO से आपको अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो काफी कम नजर आएंगे, लेकिन यहाँ से आपको अच्छा खासा लिस्टिंग जरूर मिलेगा। अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें एज ऑन 28 सितंबर 2020, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 110 रुपीज से लेके 120 रुपीज पर शेयर और इसका अपर प्राइस बैंड है 145 का। तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम 100 का भी मिलता है तो ये आपका 245 से लेके 260 के करीब मार्केट में लिस्ट हो सकता है। तो इस IPO से हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिलेगा, उसके लिए हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हैं। लॉट साइज है 103 का, तो अगर हम इसको 110 × 103 करते हैं, यहाँ पे मैं क्लियर बता देता हूँ, 110 × 103 करते हैं, 110 × 100 भी करते हैं तो यहाँ से आपको 11,000 के करीब लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा है एज ऑन 28 सितंबर 2020। लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और इंक्रीज कर सकता है और यहाँ से आपको 14,000 के करीब भी लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख सकता है। तो जैसे आपका हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल का लिस्टिंग हुआ था, उसी तरह का लिस्टिंग मजगांव डॉक शिपयार्ड का IPO भी दे सकता है और ये IPO से मिनिमम आपको 10,000 का लिस्टिंग गेंस तो मिलना ही मिलना है। तो सबसे बेहतरीन आज के डेट में मजगांव डॉक शिप का IPO लग रहा है। अब हम यहाँ पे लिखिता इंफ्रा के IPO को देखते हैं और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है एज ऑन 28 सितंबर 2020 5 से 10 रुपीज पर शेयर्स
और इसका अपर प्राइस बैंड है 120 रुपीज। तो ये आपको 125 से लेके 130 रुपीज के करीब मार्केट में लिस्ट हो सकता है, और इसका लॉट साइज है आपका 125 का। तो अगर हम यहाँ पे 10 into 125 भी करते हैं तो यहाँ से आपको सिर्फ 1200 का ही लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस आईपीओ में भी रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है, तो इस आईपीओ में भी अभी आपको होल्ड पे जाना, यानी पहले दिन इस आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना है। तो फर्स्ट डे आपको यूटीआई एएमसी और लिखिता इंफ्रा में अप्लाई नहीं करना, आप मझगांव डॉक शिपयार्ड में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि यूटीआई एएमसी और लिखिता इंफ्रा में लिस्टिंग गेंस कम मिलता हुआ दिख रहा। तो जो लिस्टिंग गेंस के लिए इन सारे आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं वो अभी होल्ड पे जाएं, बाकी मझगांव वाले अप्लाई कर सकते हैं। कल मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली पहले दिन के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। तो आई होप यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें।